जो होती है दो तरीके की, एक आउटडोर और एक इंडोर। तो गाइस इंडोर शूटिंग में हमको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है लाइट वगैरह के लिए और कैमरा सेटिंग्स में भी। तो इसको देखते हुए हमको आउटडोर में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, वहाँ पर हमको पर्टिकुलर लाइट मिल जाती है सन की, लेकिन यहाँ पर हमको लाइट वगैरह का सेटअप देखना पड़ता है इंडोर में। आप जो देख रहे हैं अब जो मेरा इंडोर शूटिंग है, आपने जो वीडियो की शुरुआत में देखा था वो मैंने आउटडोर शूट किया है। यदि आपने नोटिस किया हो तो आपको देखने को मिला हुआ कि जो मैंने आउटडोर शूट किया है उसमें बहुत ही अच्छा ब्लर देखने को मिल गया है, और अब जो मैं शूट कर रहा हूँ वहाँ पर मेरे बैकग्राउंड में काफी कम ब्लर है, लेकिन है गाइस। तो ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ मोबाइल से शूट, मेरा जो आउटडोर था वो भी मोबाइल से शूट हुआ था, और अब जो मैं कर रहा हूँ ये भी मेरी मोबाइल से शूटिंग है। तो बस आज के वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ कि आउटडोर और इंडोर दोनों की शूटिंग करने के लिए हम अपने कैमरा की सेटिंग किस प्रकार की कर सकते हैं। तो बस वीडियो शूटिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ओपन कैमरा को। ओपन कैमरा एक बहुत ही अच्छा ऐप है एंड्रॉयड के लिए, इसमें हमको बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा है, ये सब कुछ मेरे ओपन कैमरा से किया है। तो आज की वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ ओपन कैमरा की कुछ प्रो सेटिंग बस, जिसके जरिए हम अपनी वीडियो क्वालिटी को और भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बस मेरा नाम है प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं एमपीडी सब कुछ ज्ञान। तो गाइस ओपन कैमरा की सेटिंग्स को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आपको वहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूंगा। जो वीडियो बहुत ही छोटा है वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए देता रहता हूँ। आपके माइंड में कुछ सजेशन है मेरी इस वीडियो के लिए ओपन कैमरा में और भी कुछ सेटिंग्स के बारे में आप बताना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए गाइस अब चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने ओपन कैमरा पर। ओपन कैमरा पर आते ही हमको सबसे पहले मिल जाएगा सेटिंग्स का ऑप्शन, हमको वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस हमको सबसे पहले मिल जाएगा फेड डिटेक्शन का ऑप्शन। तो गाइस इसको हमको हमेशा से ऑन रखना है। इससे होता क्या है कि जब हम अपनी वीडियो को शूट करते हैं तो वहाँ पर हमको अपने फेस पर एक एरो दिखाई देता है, जिसके जरिए हमारे जो फेस को डिटेक्ट करता रहता है, हमारे फेस पर ब्लर नहीं आता है, बाकी हमारे बैकग्राउंड में ब्लर आ जाता है। उसके बाद हमारे को मिल जाता है टाइमर का सेव ऑप्शन। टाइमर पर हमको हमेशा से अपने हिसाब से सेट कर लेना है। मैंने 5 सेकंड इसलिए कर रखा है क्योंकि मैं 5 सेकंड में तैयार हो जाता हूँ वीडियो शूटिंग के लिए। बाद कैमरा प्रीव्यू में बस कैमरा प्रीव्यू में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको ऑप्शन मिल जाएगा शो बैटरी। जब आप शूटिंग करेंगे तो आपकी बैटरी आपको आगे दिखाई देगी कि आपकी बैटरी कितनी रह गई है, लेकिन गाइस मैं सजेशन करूँगा कि आप इसको ऑफ रखिए, कि हम अपने पिछले कैमरे से शूट करने वाले हैं। पिछले कैमरे से हमारा बहुत ही अच्छा वीडियो शूट हो जाता है क्योंकि इसमें फोकस का भी ऑप्शन मिल जाता है। मैं सजेशन करूँगा गाइस कि आप शो ऑडियो लेवल मैटर को ऑन रखें। तो गाइस कभी कभी होता क्या है कि जब हम अपनी वीडियो को पूरा शूट कर लेते हैं उसके बाद उसको देखते हैं तो हमको पता चलता है कि उसमें वीडियो के साथ ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है, क्योंकि हमारा माइक अच्छी तरह से अटैच नहीं हो पाया था। तो गाइस हमको शो ऑडियो लेवल मैटर से हमको पता चल जाएगा कि हमारी वीडियो के साथ ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। तो गाइस उसके बाद हमको जाना है सीधे से वीडियो सेटिंग्स में। वीडियो सेटिंग्स में आने के बाद आपको सबसे पहले मिल जाएगा वीडियो रेजोल्यूशन। वीडियो रेजोल्यूशन को आप 4K अल्ट्रा HD कर सकते हैं। गाइस तो होगा क्या कि आपकी जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा MB की बनेगी, आपको अपलोड करने में भी परेशानी आएगी, और इसकी क्वालिटी में ज़्यादा इंप्रूव नहीं होता है यदि आप फुल HD को रखते हैं और 4K में शूट करते हैं। तो इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बल्कि आपकी ज़्यादा MB में वीडियो बनती है तो आप इसको अपलोड करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसके बाद आपको मिल जाएगा स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन। तो गाइस इसको हमेशा से ऑन रखना है। इससे होगा क्या कि आप इधर उधर को हिलते हैं तो ये अपने हिसाब से मैटर कर लेगा, आपसे आपको वीडियो में मालूम नहीं पड़ेगा कि आप इधर उधर को हले थे। तो गाइस उसके बाद इन सेटिंग्स को हम यूज नहीं करेंगे। तो गाइस उसके बाद हमको मिल जाता है यहाँ पर वीडियो फ्रेम रेट का ऑप्शन। यहाँ पर गाइस हमको रखना है 30 फ्रेम रेट में हमारी बहुत ही अच्छी वीडियो शूट होती है। वैसे गाइस आपने ओपन कैमरा की सेटिंग्स की और भी वीडियोस देख रखी होंगी, मैं अपनी वीडियो में कुछ अलग करने वाला हूँ तो वीडियो को जरूर पूरा देखिए, और आपके पास कोई सजेशन है तो आप मुझको नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। गाइस उसके बाद आपको सबसे नीचे मिल जाएगा ऑडियो सोर्स, तो इसको हमेशा से एक्सटर्नल माइक कर लेंगे हम। इससे होगा क्या कि हम जो बाहर का माइक अटैच करते हैं तो उसकी भी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेता है। गाइस इन सेटिंग्स पे हमको इतना ही करना है, उसके बाद हम यहाँ से बैक हो जाएंगे पूरी तरह। गाइस अब हमको करनी है ओपन कैमरा की मेन सेटिंग्स अपनी ओपन कैमरा की स्क्रीन की। तो यहाँ पर हमको 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद गाइस आप इसको ऑटो भी रख सकते हैं। मैं सजेशन करूँगा कि आप माइक्रो पर क्लिक करके रखें, जिससे होगा क्या कि आपके फेस पर फोकस रहेगी, बाद बाकी थोड़ा सा ब्लर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस वीडियो रेजोल्यूशन को हम उतना ही रखेंगे जितना हमारे पास पहले से है, टाइमर हमने पहले ही फिट कर लिया था। उसके बाद आपको गाइस नीचे आ जाना है वाइट बैलेंस पे। वाइट बैलेंस पे आने के बाद गाइस आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, यदि आप आउटडोर शूट कर रहे हैं तो आप इसको आउटडोर रख सकते हैं, और यदि आप इंडोर शूट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर हमेशा से डे लाइट करना है, जिसके जरिए होगा क्या कि थोड़े से कलर कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद गाइस हमको सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद गाइस हमको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो दूसरे ऑप्शन लिख रहा है पोर्टल, तो गाइस पोर्टल केवल उसी मोबाइल उन्हीं मोबाइल्स में लिखा हुआ आएगा जिनमें डुअल कैमरा है,
अगर आपके में सिंगल कैमरा है तो यहाँ पर और कुछ लिखा हुआ आएगा, मुझे याद नहीं है, कुछ ASP करके आएगा, आप उस पर इसको क्लिक कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि आपकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, आपके अगर आपके मोबाइल में एक कैमरा है उससे भी आपकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। उसके बाद कलर इफेक्ट में हमको इसको नॉन ही रहने देना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं मोनो, लेकिन इसको नॉन रखना है। तो गाइस यदि आप अकेले शूटिंग करते हैं तो मैं सजेशन करूँगा कि आप इस लॉक को ना लगाएं, केवल आपको फेड डिटेक्शन को ऑन रखना है। फेड डिटेक्शन का ऑप्शन आपको भीतर सेटिंग्स में मिल जाएगा, आपको यहाँ पर देखने को करने के लिए कह रहा था, वहाँ पर फेड डिटेक्शन को शो करने के लिए कहेगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। देखिए ये फेड डिटेक्शन, आप इसको ऑन करके रखें, इसको लॉक ना करें। लॉक करने से होता क्या है कि जब आप लॉक कर देते हैं इसको तो उसके बाद आप आते हैं तो आप ब्लर में आ जाते हैं। अगर आप फेड डिटेक्शन को ऑन करके रखेंगे तो इससे आपके फेस पर ब्लर नहीं आएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में ब्लर आ जाएगा। तो भाई ऊपर कैमरा की अब सारी सेटिंग हो चुकी हैं, हम अब वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। देखिए अब ये टाइमर लग गया है, मैंने टाइमर लगा दिया था, इसके जरिए ये टाइमर लग गया है, अब ये शूटिंग हो गई है चालू, बहुत ही अच्छी शूटिंग हुई। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए देता रहता हूँ। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।